हेलो मिन्ना सा। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट मिशन को। सो यहाँ पे हमें जेनेटिक मटेरियल्स जो हैं कुछ उसे हमें डिस्ट्रॉय करना है, टेस्ट रिजल्ट्स जो थे। सो वही करेंगे आज हम। एंड यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि हमने टारगेट को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो बच चुके थे। तो आज हम वो कसर भी पूरी कर देंगे, कोशिश करेंगे जितने भी लोग हैं सबको उड़ा दें हम। तो इससे शुरुआत करते हैं। ओके, सो नीचे भी कुछ लोग हैं, सो इनको भी एलिमिनेट करते हैं एक एक करके। वो वाले के थोड़े क्लोज चलते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। अगर वो कुछ मूवमेंट करेगा सो उसके बाद हम उसको उड़ा देंगे, अगर ये कुछ मूवमेंट नहीं करेगा तो हम इंटरोगेट करके देखेंगे। सो इसने मूवमेंट कर दी, सो उड़ाते हैं इसको। एंड अब चलते हैं यहाँ से ऊपर, इस टावर से हमें अच्छा व्यू मिलेगा। जितने लोग होंगे हम यहाँ से उड़ा देंगे सबको। ओके, नीचे एक जा रहा है, इसको उड़ाते हैं पहले। नाइस, इजी शॉट। और टैग कर लेते हैं पहले, और ये अलर्ट हो चुके हैं लगता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे स्नाइपर को उड़ाना चाहिए, ये बहुत दिक्कत करेगा अगर इसने स्पॉट कर लिया तो। सो पहले उड़ाते हैं इस स्नाइपर को। नाइस, ओ वहाँ एक और छुपा है, दिख गया। चलो तो ये मोटे वाले को पहले उड़ा लेते हैं, यहाँ दो लोग हैं ना तो ये दिक्कत करेंगे, तो पहले इनको उड़ाते हैं। अरे सामने ही आ रहे हैं हमारे तो, इनकी हेलमेट की वजह से तो इनको उड़ाना बहुत दिक्कत जाता है ना। कोई बात नहीं, शिट, हाथ में मारते हैं। अब एक साइड में भाई, 4 से 5 बुलेट लेते हैं मरने में ये। चलो एक और मोटा है, इसको उड़ाते हैं। ये कहाँ भाग रहा है क्या पता, छोड़ो उसको, पहले इस मोटे को उड़ाते हैं। ये सामने आ रहा है, लिटरली इसने स्पॉट कर लिया एंड हमने फायर किया उसके हेड में, उसका हेलमेट उड़ना चाहिए वो उड़ा ही नहीं। पबजी वाला हेलमेट है, लेवल 3 का। चलो तो यहाँ पे हमने लगभग सबको खाली कर दिया है, वो इधर उधर भाग रहा है पता नहीं। एक था यहाँ पे जो है, पता नहीं कहाँ भाग रहा है वो, तो उसको छोड़ते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। वेल, हम कहीं से स्पॉट हो चुके हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ से कौन फायर कर रहा है, उसको उड़ाते हैं पहले। नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा, कहाँ से फायर आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। वो शायद ये कर रहा है, लगता है काम तो हो गया हमारा, लेकिन ये एरो कहाँ से आ रहा है क्या? ये छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से सीधे बाहर। हमारा काम तो यहाँ पे हो गया है, और कोई है भी नहीं। ओके, 2 कैमरा थे इधर, तो उनको भी मैंने टैग कर लिया है, बाद में प्रॉब्लम ना करे इसलिए। इस रास्ते में भी कोई नहीं दिख रहा है, होंगे कहीं छुप के बैठे होंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। सो वो दिख गया, एक दिखा, पहले वो छुपा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम आएगी इसको मारने में, तो इसको छोड़ देते हैं अभी, हम आगे बढ़ते हैं। शिट यार, ये कैमरा यार टावर में ही था, यहाँ से हम उतरे उसी टावर में। लॉल, इसको बुला देते हैं, अभी बाद में प्रॉब्लम करेगा नहीं तो। नाइस, तो हो गया हमारा काम, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो तो अभी भी वहीं पे दिख भी नहीं रहा है क्या कर रहा है। सो अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। एक अंदर है शायद, और ये टरेट है यहाँ पे, जिसे मैं टैग नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। वेल कोई बात नहीं, इसे हम डिसार्म करते हैं।
लेट्स गो। क्या फायर कर रहा है भाई, पता नहीं, बस एक शाम तो हो गया है और अब हम अंदर जा सकते हैं। सो चलते हैं अंदर, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे लग रहा है मेरे को। लेट्स गो। ओके सर, यहाँ बहुत लोग हैं, लेट्स गो आते हैं, अंदर चलते हैं, अगर स्कैन कर लेते हैं। वो भाई इन सामने में ही है, लॉल स्विच बोर्ड आते हैं। नाइस, और अब कहाँ पे है लाहौल यार, सामने में ही तो है ये लोग, थोड़ा कवर में आते हैं पहले, तो हम मारे जाएंगे बहुत सारे लोग। चलो ये भी गया, और एक बचा है, छुप गया कहीं पे। ओके नाइस, कैमरा है, शिट कैमरा बहुत दिक्कत करता है यार, कैमरा बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। चलो अब इसको उड़ाते हैं। मैं इसका हाथ में मारने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे और ये गैस फोड़ दिया मैंने, पता नहीं क्यों कैसे हुआ, गलती से हो गया होगा, लेकिन भाई हमारा ही फायदा हो गया उससे। ओह शिट, बार बार बच गए यार, ग्रेनेड फेंका था उसने, लॉल। चलो भाई अब हम सेफ है थोड़ा, सो चलते हैं अब ऊपर और देखते हैं क्या है वहाँ। वेल सारे बंदे इस तरफ ही गए थे, तो हम उल्टा चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ओके ऊपर है बंदे, ठीक है, पहले इस फ्यूज बॉक्स को उड़ाते हैं और अब देखते हैं कहाँ पर है। बंदों को तो नहीं पता भाई, लेकिन भाई कहाँ कहाँ छुप के बैठे हैं, कैमरा ज़रूर है यार, इतनी जल्दी स्पॉट कर रहा है, पूछो मत कहाँ था ये कैमरा, दिख ही नहीं रहा है। ओके दिख गया, मैं पास को दिखा वो बोला, ये टैग करो इसके बारे में, कितने दूर है, तो पास नहीं है। कैमरा तो मैंने फोड़ दिया है, लेकिन इस कैमरा के कारण एक बंदा बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया हमारे से, उड़ाते हैं इसको। हाथों में मारा मैंने फिर से यार, चलो कोई ना, मर तो गया। ओके सो एक और कैमरा है, आसपास लगता है मेरे को, क्योंकि हम स्पॉट होने वाले थे अभी, नहीं है क्या बता, लेकिन स्पॉट तो हम कैमरा से ही हो रहे हैं, बंदे तो हमें स्पॉट कर नहीं पा रहे हैं। ओके तो हम लोकेशन में आ चुके हैं, लोकेशन के अंदर में ही है ये होगा जो हमें डिस्ट्रॉय करना है, जिन मटेरियल्स जो भी है वो। सो कहाँ पे है वो, खोजते हैं उनको एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखा मैंने बोला था ना कैमरे से स्पॉट हो रहे हैं, कैमरा कहाँ है यार, ये रहा। चलो नाइस, अब हम ऊपर चढ़ सकते हैं यहाँ से और देखते हैं कहाँ पे है बाकी चीज़ें। ओके वो रहा ऑब्जेक्टिव हमारा, चलो कोई नहीं है, तो जल्दी से हम यहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं चीज़ों को। ग्रेट, तो हमारा ये मिशन भी हो चुका है और बहुत ही मज़ा आ गया। वो जेनेटिक प्रोग्राम्स की जो डेटा थे उनको हमें डिस्ट्रॉय करना था, चलो हो गया। तो अब जैसे हम यहाँ से घुसे हैं वैसे वैसे हम बाहर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ कलेक्टिवल है उसे कलेक्ट कर लेते हैं, हम इतने पास आए हैं तो कलेक्ट करके जाएंगे। कहाँ पर है देखते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट। ओके मिल गया, नाइस। सो अब निकलते हैं यहाँ से। सो अब करते हैं एक्सफिल्ट्रेट। ओ शिट, ये टरेट कहाँ पे है, कहाँ से मार रहा है, ऊपर बच गया भाई, 10 HP एकदम भाई, मरते मरते बचा मैं। कहाँ पर है भाई ये टरेट, डिसार्म करके जाऊँगा इसको तो।
कहाँ पर है भाई? वो इतने पास में तो है यार, इतने अंधेरे में रखा गया है, इसको दिख ही नहीं रहा था। लॉल, तो चलो काम हो गया हमारा, अब हम बिल्कुल सेफ हैं। तो अब निकलते हैं और एक्सफिल्ट्रेट करके वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक दूसरे कॉन्टेक्ट में, और शायद वो हमारा लास्ट कॉन्टेक्ट होगा। टिल देन टेक केयर एंड सी या।